ओह मैन, तो आज हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड और 10,000 माचिस की तिलियां। अब इनके ऊपर डालकर देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो आपको तो जैसा पता होगा ही कि माचिस की तिलियां बनाने में पोटेशियम क्लोराइड और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ये होती है एसिड और पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो आप ऐसा कुछ कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा।